हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीबीएच क्लासेस। तो बच्चों, आज हमने अमीन्स के एनसीईआरटी की बात करनी है। अमीन एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, और हमारी अप्रोच ये रहेगी कि आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे एक अपने पास जो कॉपी है उसको निकाल के रखिए, पेन रेडी रखिए, और साथ साथ में बच्चों आपने लिखना है। लिखते लिखते अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें। जिस वे से मैं बता रहा हूँ उसी वे से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, और क्लियर करते करते लर्न भी कर लेना है। अभी हमने तो अमीन्स की एनसीईआरटी में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब बच्चों 1, 2, 3 डिग्री हमें कैसे पता चलता था? अगर किसी ने हमारा लेक्चर नहीं लगाया है पहले, हमने चैप्टर कर रखा है वैसे, अगर नहीं करा हुआ वीडियोस, वैसे पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और एप्लीकेशन के लिए तो हमने स्पेशल, हमने जो हमारी वीवीएच क्लासेस की ऐप लॉन्च हुई है रिसेंटली, उसमें सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ऐप का, आप जाइए वहां पर क्लिक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, फ्री मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत कुछ दे रखा है। अब मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा ये सब बताने के लिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप खुद समझदार हो, आपको ऐप डाउनलोड करनी है। ओके, आईओएस और दूसरे एंड्रॉयड के लिए भी, आईओएस के लिए कोड दे रखा है वो भी डाल देना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले। अब देखो, अब 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे पता चलता है? हमको सबसे पहले बच्चों अमोनिया देखना होता है। अगर अमोनिया की एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दे, एक एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा RNH2। मतलब अगर एक हाइड्रोजन अमोनिया की बच्चे रिप्लेस हो जाती है एक अल्काइल ग्रुप के साथ, तो मैं उसको बोलता हूं वो हमारे पास है प्राइमरी अमीन। अगर इसी तरह अगर दो हाइड्रोजन बच्चों रिप्लेस कर दे दो अल्काइल ग्रुप के साथ, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, इट मे बी मिथाइल, इट मे बी इथाइल, जैसे मैं यहां पर CH3NH CH3। अब देखो दो हाइड्रोजन मैंने अमोनिया की हटाई, कितने हाइड्रोजन है टोटल अमोनिया में? 3 हाइड्रोजन है, वहां से मैंने दो हटा के दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए। दोनों सेम भी लगा सकता हूं, डिफरेंट भी लगा सकता हूं, ये हमारी मर्जी है, बट हमको ये याद रखना है अगर NH है तो ये 2 डिग्री हो गया, अगर एक ही CH3NH2 है तो ये बच्चों हमारे पास 1 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया? और अगर मैं बच्चों तीनों हाइड्रोजन रिमूव करके 3 CH3 ग्रुप लगा दूं, इस तरह से कुछ बनेगी पिक्चर हमारे पास, ये देखिए इस तरह से, जिसको हम R3N भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये टर्शरी हो गया और 3 डिग्री हो गया, जबकि अल्कोहल में हम कैसे पढ़ते थे वो देखना, एक मिनट ये देखना, अल्कोहल को हम कैसे पढ़ते थे कि ये कितने डिग्री अल्कोहल है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, ऐसा ही पढ़ा था हमने। बट अमीन्स वाले केस में बच्चों ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहां पर लिखूं सेम स्ट्रक्चर बट यहां पर OH की जगह NH2 लगा दूं, तो बच्चों ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन नहीं है, क्योंकि अल्कोहल को हम इस कार्बन से देखते थे, बट यहां पर हमको अमोनिया का डेरिवेटिव देखना है। अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारे पास बच्चों NH2 लगेगा, और कहीं भी NH2 आ गया तो वो क्या है, 1 डिग्री। अगर कहीं NH आ रहा है तो वो हो गया 2 डिग्री, अगर अकेला N आ रहा है बच्चों तो वो हो गया हमारा 3 डिग्री। तो ध्यान रखना है हमको नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, उससे हमें पता लगेगा। अब गिवन क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, हमारे पास फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा है, इसको मैं अब रब कर देता हूं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बच्चों हमारी ये मेन चीज होनी चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, फिर ही क्वेश्चन। बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा ये क्वेश्चन कि सर ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2-3 मिनट लग रहे हैं, बट हमने सबको बढ़ाना है, तो कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर ना हुआ हो। तो अब देखो फर्स्ट वाले में NH2 है बच्चों, तो अनडाउटेडली 1 डिग्री हो गया, NH2 का हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। बच्चों सेकंड वाले में ये बताओ हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन विद द नाइट्रोजन, देयर इज नो हाइड्रोजन। ये भी एरोमेटिक ग्रुप है और ये 2 एल्काइल ग्रुप है, तो बच्चों अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं था वो क्या था, 3 डिग्री। थर्ड वाले में चेक करो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, अगेन दिस इज 1 डिग्री। और नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, NH, मतलब कि हमने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 एल्काइल ग्रुप लगाए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था, 1 डिग्री 3 डिग्री फिर 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री आया है, हमको ध्यान रखना है एक हाइड्रोजन हटी तो 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन हट के 2 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं तो 2 डिग्री, अगर तीनों हाइड्रोजन हट रहे हैं और 3 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं तो वो हो गया 3 डिग्री। अब मैं मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, अगर आपसे खुद से होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वीडियो को चलने दो और अच्छे से तैयारी करो, लिखते रहो साथ साथ में, लर्निंग साथ साथ में रखना। अब देखना क्वेश्चन क्या है, कहता है C4H11N के आइसोमर बनाओ डिफरेंट डिफरेंट।
जितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, प्राइमरी कितने बनते हैं, सेकेंडरी कितने बनते हैं, टर्शरी कितने बनते हैं, मतलब NH2 वाले कितने बन रहे हैं, NH वाले कितने बन रहे हैं, और अकेले N वाले जितने बन रहे हैं वो बनाओ, उनके IUPAC नेम लिखो, और भाई बताओ उसमें आइसोमरिज्म कौन सी कॉमन है। ये तीनों चीजें इसमें क्वेश्चन में पूछी है। तो एक एक करके हमको क्या करना है, पहले वन डिग्री वाला काम करते हैं। चलिए यहां पर मैं वन डिग्री वाले कितने पॉसिबल है वो लगाते हैं। C4H11N मतलब चार कार्बन के, देखना एक तो ये पॉसिबल है, CH3, CH2, 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 NH2। बच्चे नाम भी साथ साथ में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने IUPAC नेम पूछे हैं। ओके, और इसको मैं नंबर वन बोल रहा हूं, इसके नीचे वन लिख दिया ऐसे। ओके, और इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है ब्यूटेनामीन। IUPAC नेम क्या होता है हमारे पास, जनरल IUPAC नेम बच्चे होता है अल्केनामीन, अल्केनामीन इस तरह से, या फिर बच्चों हम इनको अमाइनो अल्केन भी बोल देते हैं, ये ज्यादा बेटर है वैसे नाम, अमाइनो अल्केन ज्यादा बेटर है, बट हमको दोनों लेके चलने हैं, क्योंकि अगर आपको पेपर में नाम दिया हुआ आ गया और आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो दोनों नाम हमको बच्चे करने पड़ेंगे। तो ब्यूटेनामीन भी बोल सकते हैं, और डाल के मैं यहां लिख रहा हूं अमाइनो ब्यूटेन, और ज्यादा बेटर ये रहेगा वन अमाइनो ब्यूटेन। क्लियर हो रही चीज, इसी का हम सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगे हैं बच्चों। अगर मैं आइसोमर जो बन रहा है, अगर हम इसको NH2 सेकंड नंबर पर लगा दें, सेकंड नंबर पर लगा दें, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा टू अमाइनो ब्यूटेन। इसको मैं नंबर टू बोल रहा हूं बच्चों, यहां पर साथ साथ में लिखते चलेंगे हम, टू अमाइनो ब्यूटेन बन गया। अब सर, अब मैं ऐसा करता हूं, लॉन्गेस्ट चेन चार की बजाय तीन की कर देता हूं। कुछ बच्चों ने जो मेरे से पढ़ रखे हैं पहले, उन्होंने तो पहले ही ये काम कर दिए होंगे कि रखा है NH2 को फर्स्ट नंबर पर ही है, बट लॉन्गेस्ट चेन तीन की कर दी। ये हो गया हमारा थर्ड आइसोमर। नाम बताओ पहले इसका, व्हाट विल बी द नेम, तो नंबरिंग यहां से होगी 1, 2, 3, तो क्या नाम बनेगा, वन अमाइनो टू मिथाइल, और क्या बनेगा हमारे पास, 1-amino 2-methyl propane। 1, 2, 3 कार्बन है, देखो ना यहां पे ये बॉक्स लगाओ, आराम से करो काम, कोई जल्दी नहीं है, ये देखो आराम से करो, 2-amino, और ये रहा हमारे पास 1-amino। इसको ब्यूटेनामीन भी बोलेंगे, इसको ब्यूटेन 2-amine बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2-methyl propane 1-amine। अगर इस IUPAC नेम से अगर आपको चलना है, मैं दोनों नाम बच्चे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अब अल्केनामीन के अकॉर्डिंग नहीं बताया, कुछ कहेंगे सर अमाइनो अल्केन ज्यादा इजी है उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए, तो हम दोनों लेके चल रहे हैं। ओके, और कोई पॉसिबल है, यस वन मोर इज पॉसिबल हियर, देखना वन डिग्री का एक और पॉसिबल है, यहां पर CH3, यहां पर भी CH3, यहां NH2 बच्चों, मतलब यहां से NH2 हटा के सेंटर पर लेकर IUPAC नेम, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, This is the longest chain. तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों, बताओ मेरे को जल्दी से, 2-methyl 2-amino 2-methyl propane, 2-amino 2-methyl propane। ये इसका नाम, बल्कि मैं यहां लिख रहा हूं इसका नाम बच्चे, इसका नाम यहां लिख रहा हूं 2-amino 2-methyl propane। ये देखिए क्लियर हो रही है चीजें, नीचे मैंने तो नहीं लिखा, हो सकता है कैमरे का एंगल यहीं तक हो और मैं लिखूं और आपको दिखे ही ना कुछ, तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी कि सर हम सुन तो रहे हैं आपने लिखा क्या है हमें नहीं पता, तो यानी ऊपर करके आपके लिए लिख दिया स्पेशल 2-amino 2-methyl propane। ये थे 1 डिग्री के चार, इसको नंबर 4 कहो, इसको नंबर 3 कहो, ये वाला जो था, दिस वन इज नंबर 3। चलो अब 2 डिग्री के कितने पॉसिबल है देखना है, 2 डिग्री बोले तो मतलब NH होना चाहिए हमारे पास सेंटर में। अब लगा दो कि टोटल कार्बन कितने हैं, चार। एक बार इधर एक CH3 दे देते हैं, और इधर कितने दे देते हैं, तीन दे देते हैं, तीन मतलब CH2 CH2 CH3 टोटल कार्बन चार है, ये 2 डिग्री में अब कैटेगराइज कर रहे हैं हम, दिस इज 2 डिग्री। अब इसका नाम क्या बनेगा, दिस इज N मिथाइल, एक तो प्रोपेनामीन हो सकता है, N मिथाइल प्रोपेनामीन इसके अकॉर्डिंग, या फिर क्या होगा, N मिथाइल अमाइनो प्रोपेन, इस तरह भी हो सकता है, N मिथाइल अमाइनो प्रोपेन, या फिर और डाल के मैं दूसरा नाम भी लिख देता हूं यहां पे, क्या लिखेंगे, N मिथाइल प्रोपेनामीन, क्योंकि तीन कार्बन और अमीन लग रहा है।
सर दूसरा कोई पॉसिबल है? यस, एनएच, दोनों को हम क्या करते हैं, दो कार्बन दे देते हैं, ये लो सिमेट्रिक, ये लो. व्हाट इज दिस? एन इथाइल इथेनामीन, एन इथाइल इथेनामीन, या फिर क्या बोलेंगे, एन इथाइल अमाइनो इथेन. बच्चों दो नाम है, दोनों के अकॉर्डिंग में बोल रहा हूं. ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं एन इथाइल इथेनामीन, ये रहा एन इथाइल इथेनामीन. क्लियर चीज? और इसका सर कोई और पॉसिबल है? यस, एक और पॉसिबल है, अगर एक साइड सी एच थ्री ऐसे लगा दो और एक इधर लगा दे आइसो वाला ग्रुप, आइसो वाला ग्रुप तो ये रहा, ये वाला, मीन्स सीधी तीन की चेन की बजाय दो ऐसे रखें और एक ब्रांच में ले जाए नीचे को. व्हाट इज दिस? एन मिथाइल प्रोपेन टूमामीन, नाम क्या बन रहा है, एन मिथाइल प्रोपेन, तीन कार्बन है प्रोपेन, और कौन से नंबर पर लगाया, मीन दो पर लगाया, एन मिथाइल, मैं लिख रहा हूं यहां पर एन मिथाइल प्रोपेन टू अमीन. ये लीजिए सर, ये टू डिग्री के सारे नाम हो गए, ये वन डिग्री के चार स्ट्रक्चर हो गए, ये टू डिग्री के थ्री स्ट्रक्चर हो गए. मैं जो स्ट्रक्चर है उनको बच्चों बॉक्स में डाल रहा हूं ताकि अच्छे से आपको पता लगे. ये देखिए जो स्ट्रक्चर है उनको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, हाउ मेनी आइसोमर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गए. अब थ्री डिग्री के भी बच्चों पॉसिबल है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं. ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा था ये मैं रब कर देता हूं और यहां लिख देता हूं. ये आईयूपीएसी नेम जनरल जो लिखा है वो भी मैंने रब कर दिया, ये नाम जो नीचे लिखा था उसका यहीं रह गया. हमारे पास थ्री डिग्री, देखना बच्चों हमारे पास थ्री डिग्री में एक सी एस थ्री आएगा, एक यहां सी एस थ्री लगा दो, एक यहां सी टू एच फाइव लगा दो. बच्चों एक ही पॉसिबल है सर, कैसे, दो दो इधर बना दो. तो अगर मैं बच्चों दो इधर बना दूंगा, दो इधर बना दूंगा तो कार्बन खत्म हो गए, मेरे को एक एच देना पड़ेगा, तो ये और ये वाला सेम ही हो जाएगा. तो थ्री डिग्री में सिर्फ एक ही पॉसिबल है और इसका नाम क्या बनेगा, आईयूपीएसी नेम बच्चे वो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर. वॉट इज द नेम? दिस इज एन कॉमा एन डाई मिथाइल, एन कॉमा एन डाई मिथाइल अमाइनो इथेन या इथेनामीन, इथेनामीन, ये रहा बच्चों नाम. तो सबके मैंने आइसोमर जितने थे बच्चों सबके सब स्ट्रक्चर बना दिए हैं और स्ट्रक्चर बना के मैंने आईयूपीएसी नेम सबके लिख दिए हैं. हमने क्वेश्चन वन भी कराया है, क्वेश्चन टू भी कराया है. हमने ऐसे नहीं करा कि हम सीधा थर्ड से स्टार्ट कर दें कि पहले दो क्वेश्चन तो नॉमन क्लेचर है हम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे. अगर आप एप्लीकेशन पर हो, एप्लीकेशन पर ये वीडियो देख रहे हो, फिर तो आपको एक एक क्वेश्चन के साथ पीडीएफ इमेज भी मिली होगी, पीडीएफ भी होगी जो आपने डाउनलोड करी होगी, और हमने नोट्स भी आपको कुरियर करे होंगे. वो वाला बेटर रहेगा आपके लिए काम, क्योंकि साथ में नोट्स है, साथ में ट्रिक्स है, साथ में पीडीएफ है, पढ़ना उतना ही आसान हो जाएगा. तो अगर नहीं डाउनलोड करिए तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, उसको क्लिक करो और डाउनलोड करिए. चलिए अब इसका सेकंड पार्ट ये था बच्चों हमारे पास, वो कह रहे थे ये जो आइसोमर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हमने बनाए हैं, इनमें बताओ चेन कौन से है, पोजीशन कौन से है, चेन कौन से है, पोजीशन कौन से है, ये हमने देखना है. अब कार्बन चेन लेंथ देख लो सबसे पहले, तो डिफरेंट किसकी है, कार्बन चेन लेंथ किसकी किसकी डिफरेंट है. अब पहले चार में कंपेरिजन करें, फर्स्ट फोर में, फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन, लिख लो जल्दी से. मैं यहां लिखने लगा हूं फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन, देखो अच्छे से, क्योंकि यहां भी चार की चेन है, यहां भी चार की चेन है. ओके, तो अब अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन, फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन, क्यों, क्योंकि NH2 फर्स्ट पोजीशन पर ही है, बट यहां चार कार्बन की चेन है, यहां तीन कार्बन की चेन है, तो मैं यहां लिखूंगा फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन. ओके, और बच्चे फर्स्ट एंड फोर्थ को अगर मैं कंपेयर करूं, पहले फर्स्ट को सेकंड से करा, फिर फर्स्ट को थर्ड से करा, फिर फर्स्ट को फोर्थ से करूं, तो चेन एंड पोजीशन बोथ है, चेन एंड पोजीशन बोथ. बट बच्चों हमको चेन ही मेंशन करना होता है, अगर चेन और पोजीशन में किसी एक को चुनना पड़े तो हम चेन को ही चुनेंगे. ओके, अब फर्स्ट का काम खत्म हो गया. अब मैं यहां लिखने के लिए थोड़ी जगह बना रहा हूं, ताकि अगर डिजिटल बोर्ड होता फिर तो हमने एक बटन लगाना था और सब रब हो जाना था, बट मजा इसी में है पढ़ने में. देखना वो तो ऐसा ही है, पीपीटी चला दो और ऐसे सर्कल कर दो, ये बता दो इसमें ऐसे होता ऐसे होता, ऐसा नहीं पढ़ना, हमने यही स्टाइल रखेंगे हम. देखना फर्स्ट एंड फोर्थ आर चेन. ओके, अब सेकेंड एंड थर्ड को देखें, सेकेंड एंड थर्ड को बच्चों चेक करना जरा,
सेकंड में कितने कार्बन चेन लेंथ है? चार की। थर्ड में कितनी है? तीन की। और NH2 यहां सेकंड पर लगा, यहां फर्स्ट पर लगा, मतलब ये भी चेन और पोजीशन दोनों है। सेकंड एंड थर्ड आर चेन एंड पोजीशन बोथ, बट चेन डोमिनेट करेगा, ये याद रखना। अगर दोनों में से एक चूज करना है तो आप चेन बोलोगे इसको। ओके, सेकंड एंड थर्ड हो गया। थर्ड एंड फोर्थ को चेक करो बच्चे, थर्ड एंड फोर्थ को चेक करना जरा, आपस में कौन से हैं? पोजीशन है, क्योंकि ये वन पर है, ये टू पर है, कार्बन चेन लेंथ तीन की है, तीन की है। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा थर्ड एंड फोर्थ आर पोजीशन। तो ये रहे बच्चे पोजीशन। ओके, और सेकंड एंड फोर्थ बता दो जरा, सेकंड एंड फोर्थ में देखो NH2 पर है, टू पे है, यहां पर चार कार्बन की चेन है, यहां पर तीन कार्बन की चेन है, तो सेकंड एंड फोर्थ आर चेन आइसोमर्स। तो इस तरह से बच्चों आपको सारे आइसोमर्स लिखने हैं। मैंने अच्छा खासा आपको इसमें बता दिया कि फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करो, फर्स्ट थर्ड को, फर्स्ट फोर्थ को, फिर सेकंड को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से, फिर थर्ड फोर्थ। इसी तरह बच्चों आपको सेकेंडरी में भी करना है, सेकेंडरी में भी कर लिया, और टर्शरी में तो एक ही आइसोमर पॉसिबल है। और अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर तीनों में कहें तो ये सारे के सारे आपस में बच्चों फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि पहले चार में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? प्राइमरी अमीन्स। अगले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सेकेंडरी अमीन्स। नेक्स्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? टर्शरी अमीन्स। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो इस तरह से बच्चे हमने सेकंड क्वेश्चन की काफी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। रेस्ट ऑफ द आइसोमर आप खुद लिख सकते हो, पीडीएफ दे रखी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लेटेस्ट बहुत सारा मटेरियल अब आने लगा है। एनसीईआरटी ऐसे वे में कराऊंगा जैसे पहले कभी नहीं कर रखी होगी। ऑर्गेनिक का लेवल ही बदल देना है हमने, बहुत ज्यादा इजी लगने लगी आपको ऑर्गेनिक। और अगर आपने अभी तक ऐप हमारी डाउनलोड नहीं करी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। iOS के लिए भी है, Android के लिए भी है, लिंक दे रखा है, क्लिक करो। और iOS के लिए एक ORG कोड होगा, वो आपको डालना पड़ेगा, उससे डालने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड हो जाएगी। और उस पर बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी आपको दिल करता है कभी भी आप देखिए, रात को देखिए, सुबह देखिए, जब आपके दिल करता है, जब आपको टाइम मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।